थोड़ा आएगा ना उस साइड में थोड़ा। यस सर, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ही। अच्छा ले लो। थैंक यू। और जो डायरेक्टर सर हैं, प्रोड्यूसर सर हैं, उनके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे, कैसा सिस्टम रहा अभी तक का? अब मुझे पूछ रहे हैं जी, ठीक है। सबसे पहले थैंक यू, आप लोग सब आए यहाँ पर। एंड ये फिल्म एक बहुत ही प्यारी फिल्म है, इन अ वे ऑफ अपने अंदर के साहस को, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को, अपने अंदर के की ब्रेवरी को ढूंढना। और ये टॉपिक अतुल जी ने मुझे बहुत टाइम पहले बताया था और मैंने तुरंत ही उसी एक ही मीटिंग में बता दिया था कि ये प्रोजेक्ट करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। एंड अतुल जी के साथ काम करने में हमेशा एक प्यारा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि वो हमेशा एक कंफर्ट देखते हैं एक्टर का, वो और उनकी टीम। एंड जब एक एक्टर को कंफर्ट मिलता है तो वो परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत दिख जाता है एंड यू फील बेटर ऑनेस्टली। सो वो तो एक रहा है, स्पेशली प्रोड्यूसर के सपोर्ट के साथ ही ये होता है। एंड बस आई एम जस्ट वेटिंग, क्योंकि ये जो एक टॉपिक है काफ़ी मॉडर्न है, क्योंकि आज के जनरेशन्स को, स्पेशली पीपल ऑफ माई एज, सारे एजेस इनफैक्ट को ये देखने की ज़रूरत है कि सारी ताकत तुम्हारे अंदर है, तुमको बस इसके बारे में जानने की ज़रूरत है और जानने के बाद तुम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो फॉर द गुड, फॉर द बेटर ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगेन थैंक यू टू अतुल जी फॉर ऑफरिंग मी दिस प्रोजेक्ट, बहुत ही अच्छा लगा। अतुल, टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, वेरी टैलेंटेड जी। अच्छा जी, कश्मीर में वैसे भी बहुत सारी फिल्में आई हैं, कश्मीर फाइल्स की बात है, जब भी ऐसी बातें होती हैं तो हमें जहन में तुरंत आता आतंकवादी माहौल होगा, लड़ाइयाँ दिखेंगी, फौजी अलग है। आपकी फिल्म क्या अलग कहानी है? हमारी फिल्म जो है ये 1947 में जो कुछ हुआ वो आज तक किसी फिल्म में नहीं आया, किस तरीके से एक्सेशन हुआ कश्मीर का, तो वो आपको इस फिल्म में देखने को। ज़्यादातर एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो आतंकवादी के कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्शन है, बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा इन अ वे जो कि स्टोरी को आगे लेकर जाता है। हम यहाँ पर कोई भी चीज़ को ग्लोरीफाई या आगे एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं कर रहे यहाँ पर। इनफैक्ट मैंने पहले ही चर्च रखी थी सर को कि यहाँ पर हमें ना वो थ्रिल ऑडियंस को वो यू नो बहकाने के लिए नहीं बनाना है, जो भी एक मैसेज के साथ बनाना है। तो सर ने फिर वही उसी तरीके से बनाया और इसी तरीके से डेवलप किया इस प्रोजेक्ट को। एंड लाइक ही सेड, यू नो, जो चीज़ पहले नहीं हुई है वो इसमें देखने को आ रही है। शायद टॉपिक फेमिलियर हो ना हो, लेकिन यस आई एम एक्साइटेड क्योंकि मैं भी एक अलग कैरेक्टर में हूँ। अतुल जी, ये जानना चाहेंगे, एक ऐतिहासिक जगह पे आज शूट कर रहे हैं, क्या सीन शूट कर रहे हैं? थोड़ा नीचे बोल पड़ रहा है, नहीं हो पा रहा। रोल एक हो गया, मैं सवाल ले रहा हूँ। हाँ जी, कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि जब भी अभी दर्शन ने अपने तरीके से बहुत ही सुंदर जवाब दिया, लेकिन एज ए डायरेक्टर जो आपका टाइटल है, कहना क्या चाह रहा है? क्योंकि जब बात कश्मीर की होती है तो हमारे जो पहले फिल्में हमने देखी है, भाई फौजी की लड़ाई होगी, आतंकवादी आएंगे, सुंदर कश्मीर को किस तरीके से लूटा जा रहा है, ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, तो ये तो हमने देखा है। इस फिल्म में हमें खासियत क्या और खास देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जब भी लोग नाम सुनेंगे तो कश्मीर फाइल के बाद आगे क्या देखेंगे, उस चीज़ का इंतजार होगा, तो क्या खासियत है? देखिए, कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है उससे एक रेफरेंस आप ले रहे हैं, बाकी मेरा उससे कोई किसी तरीके का कोई तुलना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कंटेंट में कोई बराबरी नहीं है। ये तो फिल्म का नाम अपने आप में जो कह रहा है, ये कह रहा है कश्मीर एनिग्मा ऑफ पैराडाइज। तो कश्मीर एक एनिग्मेटिक है, ये हमारा एक टेक है, ये हमारा कंक्लूजन है कि कश्मीर जो है, उसको दूसरे हिंदी में कहें तो कश्मीर एक पहेली बन गया। क्यों बन गया? क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? और क्या किसी फिल्म में, किसी भी फिल्म ने इस चीज़ पर विचार किया कि कश्मीर क्या, क्या से क्या हो गया? मैं रिपीटेड भी उसको कहूँगा कि क्या था कश्मीर और क्या हो गया, क्या ऐसे कारण रहे जो कि आज कश्मीर की ये स्थिति हो गई है। तो इन सब चीज़ों को समेटते हुए कहानी को बुना गया है और एक नया प्रयोग इसमें किया जा रहा है। मैं आपको बताऊँ कि रियलिटी को, जो जो इतिहास है, उसको फिक्शन के साथ मिक्स किया गया है। ऐसा प्रयोग किसी फिल्म में नहीं हुआ है, ये हम एक नया प्रयोग इसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका सवाल वो मुझे समझ में नहीं आया जो आपने कहा कश्मीर को लूटा जा रहा है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन
हम इसके जो इसका जो एनिग्मेटिक अप्रोच एनिग्मा जो हो गया है। और दूसरा एक और बात मैं कहूँगा, हमें बहुत ये समझने की ज़रूरत है कश्मीर के बारे में कि कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, तो क्या स्वर्ग की यही नियति होती है कि सब लोग उस पर आक्रमण करना चाहते हैं, इंद्र भी आक्रमण करना चाहते हैं, दूसरे लोग भी आक्रमण करना चाहते हैं, उसको उसके ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं, कहीं यही तो एक वजह नहीं रही कश्मीर की आज जो स्थिति हो रही है, तो वो क्या कारण रहे हैं? हम उसके डीप में जाके वो सारे की पड़ताल करना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से, और उसको समझना भी चाहते हैं कि क्या। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको कश्मीर के बारे में बिल्कुल एक नई अप्रोच मिलेगी। हजारों किताबों एक मैं कह सकता हूँ आतिशयोक्ति नहीं हो, तो कश्मीर के बारे में एक निचोड़ आपको शायद इस फिल्म के माध्यम से मिलेगा। मैं आप मजाक आप मानोगे नहीं, मैं जब कश्मीर हम जाते थे श्रीनगर तो लोकल ही लोग समझते थे मुझे। और हमने पुलवामा में भी शूट किया कश्मीर ने, कश्मीर हमने पुलवामा में शूट किया है, श्रीनगर हर जगह सिंथन टॉप पे शूट किया, ऐसी जगह जो आपको कभी दिखी नहीं है। ऑनेस्टली मैं मतलब करीब काफी टाइम हो जाएगा मेरी जिंदगी में, 5-10-7 साल निकल जाएंगे, लेकिन वो जगह एक जगह कर लेती तुम्हारे दिल में। तो वहाँ शूट किया था, एंड जैसे आपने पूछा कैरेक्टर के बारे में, ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन ये कैरेक्टर एक रिलेटेबल कैरेक्टर है, क्योंकि किस तरीके से कुछ लोगों को पैदा होते ही उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भरी जाती है, वो ब्रेन वॉश किए जाते हैं, और कैसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना पॉसिबल है इस फिल्म में। एक कहानी में, एक जिंदगी में राधा, और इस फिल्म में वो दिखाया जाता है। उसी को दिखाने के लिए मैं खुद बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आए हुए हैं, एंड मैं चाहूँगा कि मैं लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ कि आपके अंदर भी वो ट्रांसफॉर्म होने की ताकत है, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। अतुल सर एक ही सवाल है कि आपको नहीं लगता कि कश्मीर में हालात कल से ज्यादा बेहतर आज है, क्योंकि कल जिस तरह के हालात थे, कश्मीर हिंदुओं का पलायन हो या फिर आर्टिकल 370 का एबोलिशमेंट हो, आपको लगता नहीं कि फिलहाल हालात सुधर रहे हैं या मौजूदा सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही है? नहीं, वो सरकार तो अच्छा काम करती है, सारी सरकार अच्छा काम करती है, वो तो उसमें मुझे कुछ खास नहीं कहना है। तो काम डेवलपमेंट के काम है, पहले भी हुए हैं, अभी भी हो रहे होंगे, और मैं डेवलपमेंट पे नहीं जाना चाहता। मेरा जो है वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के लोगों की जहनीत से संबंध है, क्योंकि सिनेमा जो है वो सरकारों के कामकाज का लेखा जोखा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सरकार क्या कर रही है उसके लिए आप लोग पत्रकारिता का, पत्रकार लोगों का काम वो है, सिनेमा का काम सरकारों का लेखा जोखा करना या सरकारों की के बारे में बात करना या सरकारों के एजेंडे को सिनेमा में लेके आना, बिल्कुल भी वो काम हमारा नहीं है। हम उसमें नहीं करते, हम तो संस्कृति में काम करने वाले लोग हैं, कला के लोग हैं, हम उस दृष्टि से सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं, और हमारा जो अप्रोच है वो बहुत डीप है। सरकारों का जो अप्रोच होता है वो बहुत समय सापेक्ष होता है, बहुत बहुत शॉर्ट टर्म होता है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, पूरी लिस्ट आपको दी जाएगी। मैं तो कहूंगा कि बॉलीवुड के कम से कम 30 ऐसे बहुत सेलिब्रिटी लोग इसमें काम कर रहे हैं, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अभी अभी हम लोग यहाँ दर्शील सफारी हैं, रामगोपाल बजाज हैं, विनीत शर्मा हैं, इनका एक सीक्वेंस है वो हम शूट कर रहे हैं। आपने कुछ देर पहले कहा कि बहुत सारी ऐसी रियलिटी आपने फील करी है और अब लोगों को अपने किरदार के जरिए बताएंगे, तो एक आध चीज कश्मीर का नाम आते ही सबसे पहले आपके जहन में आता हूँ? नेचर और कुछ नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पिछले महीने गया था वहाँ पर, दल लेक में हमारा शूटिंग था, मैं कोई और फिल्म कर रहा था, और वहाँ पर शिकारा में बैठे थे हम, और मेरी अब पता है वो सीटिंग पर बैठना होता है, मैं नाव के एंड पर जाकर बैठ गया था, और मैंने बस अपनी आंखें बंद की, क्योंकि वहाँ पर ऐसा पता नहीं, ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम इंडिया में हो या तुम कहाँ पे हो। तुम जैसे सर ने कहा स्वर्ग है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ग से सबसे करीब अगर आपको एक्सपीरियंस करना हो तो आप कश्मीर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने वो जो एक्सपीरियंस किया है वहाँ पर, वो मेरे लिए हमेशा एक देखो स्माइल ही नहीं जा रही मेरे से, क्योंकि मैं सोचता हूँ उस जगह के बारे में, एंड देखते हैं अभी और फ्यूचर में, ये मेरी दूसरी फिल्म है वहाँ पर,
So yeah, hoping for the best. लेकिन ये भी है कि ये एक ऐसा जन्नत रहा है सोच का, जिसके बारे में जितनी कोशिशें हों अच्छा है और जितनी कोशिशें हों काफी होती है। मैं मिस्टर राजकुमार गर्ग और मिस्टर राजगोपाल बजाज आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच स्टेज पे आने के लिए और इस इवेंट में हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। अब इनके बाद स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ मिस्टर डीके गोयल। अब मिस्टर डीके गोयल फेलिसिटेट करेंगे अखिलेश मिश्रा आईएएस ऑफिसर अखिलेश मिश्रा जी को कि मैं उनके विजन को रियलिटी बनाने में काबिल हो पाऊंगा। एंड आई हैव हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई मीन मैं आज बार बार ये बात हो रही है कि अतुल जी एंड नेहा मैम काफ़ी हद तक जाते हैं टू सी एन एक्ट्रेस कंफर्ट। एंड वही तो एक एक्टर की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, क्योंकि जब कंफर्ट मिल जाता है, जब एक फॉर्मेलिटी मिल जाती है, एक एटमोसफियर मिल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं कैमरा के सामने एक्टिंग करने में और इजी बन जाता है। एंड जस्ट होपिंग दैट वी आर एबल टू अचीव दैट। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। लोनावला भी काफ़ी प्यारी जगह है। एंड ये कॉन्सेप्ट, ये जो सब्जेक्ट है, ये भी काफ़ी एक सेंसिटिव और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज वाला सब्जेक्ट है। सो ऑलवेज हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस। एंड आई लाइक टू एंड बाय सेइंग थैंक यू अगेन एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। दर्शन, कुछ और प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे? इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? कुछ और आई डोंट नो, ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट एक आपके अंदर की एक ताकत को ढूंढने के बारे में है। मेरा जो कैरेक्टर है वो, उसे पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी ब्रेवरी है, और कैसे कौन सारे सिचुएशंस होते हैं उसके साथ जहाँ पर उसको रियलाइज़ होता है कि उसको ट्रांसफॉर्म करना है। नेहा मैम और अतुल जी ने जब पहली बार मुझे इसकी नरेशन दी थी, तो हमारा मुद्दा यही था कि कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, कि आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी वीकनेस भी है, लेकिन अगर आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या है क्या नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे किसको ट्रांसफॉर्म करना है। सो हमने बस यही हमारा गोल है कि बाय द एंड ऑफ दिस शूट, बाय द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, हम वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा पाए, लोगों को इंस्पायर कर पाए, कोई भी एज ग्रुप के हो। एंड बस दर्शन की नज़र में कश्मीर क्या है? हर लोग बोलते हैं कश्मीर जो है धरती का स्वर्ग है, लेकिन बेसिकली अभी कुछ सालों पहले ऐसा लग रहा था कश्मीर जो है नर्क है। आपकी नज़र में जो है कश्मीर क्या है? मेरे लिए तो सबसे करीबी चीज़ है मेरे दिल के कश्मीर, क्योंकि मैंने पिछले करीब 2 साल में 5-6 ट्रिप मैं जा चुका हूँ, 3-4 साल इनफैक्ट। एंड ऑफकोर्स आपने जैसे कहा वो कि कई हालात वहाँ पर उतने पीसफुल नहीं थे, तो उसका डर भी रहता है, लेकिन वहाँ जाकर लोगों से जब बातें होती थी, हमारी इस फिल्म में ऐसी एक ट्रक सी है जो मैं चलाता हूँ, उनका जो असली ओनर है उनसे मेरी बात हो रही थी, एंड तभी मुझे जैसे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ही सब में है, बस तुमको देखने की ज़रूरत है। एंड हमने पुलवामा में शूटिंग की, जो लोग कहते हैं कि पुलवामा अटैक हुआ था सर जी पता है, और हमें भी डर था कहीं ना कहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी अतुल जी और मियां मैम ने इंश्योर की थी हमारे लिए, लेकिन वहाँ के लोग भी इतने प्यारे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे मन में डर है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू जो रियलिटी है। सेफ्टी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और मेरे लिए कश्मीर मतलब मैं अभी बस 2 हफ्ते पहले वहाँ गया था, और डल लेक में मेरा एक दूसरी फिल्म का शूट चल रहा था, और वहाँ शिकारा में बैठा था, और वहाँ पर मैं बस मेरी आंखें बंद कर देता हूँ, बस आई कैन जस्ट फील द नेचर है वो, मतलब वो एक ऐसी जगह है आपको लगता है शायद इंडिया में ही नहीं, मतलब इस दुनिया में ही नहीं वो, बस इट्स टू क्लोज टू माई हार्ट, मैं स्माइल ही नहीं जा पा रही मैं उनसे, मैं हमेशा वीडियो लेते रहता हूँ वहाँ पर, फिर एक वही जगह पर जाकर। सो बहुत ब्यूटीफुल है, और वही ब्यूटी हमने इस फिल्म के दौरान दिखाने की कोशिश की है कि हर जगह में ब्यूटी है, लोगों में ब्यूटी है, तुम्हारे अंदर ताकत है, हिम्मत है,
और वो दिखाने के इसलिए दैट्स व्हाई आई सेड यस एंड आई फेल्ट गुड आई वाज एनकरेज्ड दैट्स इट थैंक यू और कुछ पूछना है आपको सामी ड्रामा है नहीं फ्रेश वाला पे काफी फिल्म का चार्ट क्या है सर सर फैमिली ड्रामा है या सोशल है या थ्रिलर है क्या है ये दर्शक भी बता सकता है आप सब्जेक्ट तो नहीं बता रहे लेकिन कुछ तो बताओ जी ये एक कहीं ना कहीं एक एक्शन ड्रामा है इसमें आपको सारा कुछ साइकोलॉजिकली भी मिलेगा क्योंकि लोग अंदर क्या सोचते हैं वो भी देखने को पता चलता है सो एक्शन काफ़ी सो दिस इज नॉट एक्चुअली फैमिली बट अगर आप फैमिली को लेकर जाते हो साथ तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये फैमिली वाली फिल्म नहीं आपको ऐसा कुछ है ही नहीं इस फिल्म में जो दूसरी फिल्मों में होता है जो यू नो यू आर स्कैर्ड के बच्चों को लेके जाना है बिल्कुल बच्चों को लेके जा सकते हो मैं खुद उस फिल्म में तो टेंशन नहीं थी कोई बात नहीं अतुल सर मेरा आपसे एक सवाल है अभी इन्होंने एक सर इन्होंने अभी सबसे पूछा कश्मीर के बारे में लगभग सबने कहा स्वर्ग है आपने उस स्वर्ग को दिखाने की कोशिश की है कि खाली इंसान को दिखाया कि इंसानियत है वो स्वर्ग आपने दिखाया है कि ब्यूटी दिखाई उसके अंदर दिखाने की कोशिश की है नहीं मैं तो ये कहूँगा स्वर्ग जो है स्वर्ग हमेशा से बहुत ज्यादा अटैक होता है स्वर्ग और वही शायद कश्मीर के साथ भी हो गया स्वर्ग पे सबकी नजर होती है सर देवी देवताओं की कभी संघर्ष और आकर्षण उसके लिए होता है और नकारात्मकता कभी होता है तो कहीं ऐसा कश्मीर के साथ भी तो नहीं हो गया और मुझे लगता है कि ये फेलिसिटेशन की बात हम लोग फिल्म के बारे में बात करेंगे 10 मिनट वेट कीजिए प्लीज थैंक यू Thank you.